क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वन का पहला पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है? पहला पार्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहती है, क्या बोलते हैं उसको, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ प्लेन जो लाइन डिवाइड करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेन, दीज आर द फोर क्वाड्रेंट्स, ये इनका नाम है, एक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये नाम होता है, नेम ऑफ द क्वाड्रेंट्स। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट होती है, उसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन। तो ये थर्ड का आंसर हो गया और ये सेकंड का आंसर हो गया और ये फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर के तीन पार्ट है, वन टू और थ्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू क्या है, क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस बनानी है और फिर मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक, बना देता हूं, ये डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ये फिगर दिया हुआ है और पूछे गए हैं आठ सवाल, आठों सवाल यहाँ पे लिखता हूं मैं और उनके एक एक करके जवाब लिखेंगे, ठीक है, वन, ठीक है। पहला, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो बी कोऑर्डिनेट्स कैसे बताया जाता है, पहले एक्स एक्सिस बताई जाती है फिर वाई एक्सिस का नंबर बताया जाता है। तो अब बताओ बी पॉइंट में एक्स एक्सिस कौन सा नंबर है, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल देखेंगे, हॉरिजॉन्टल में बी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, माइनस फाइव पे लाई कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, पहले माइनस का फाइव कॉमा लगाएंगे, ठीक, और फिर अब वाई देखेंगे, तो वाई मतलब इस एक्सिस पे देखो बी कहां लाई कर रहा है, बी लाई कर रहा है इस लाइन को खींच के लाएंगे यहाँ पे, तो ये प्लस टू पे लाई कर रहा है, तो प्लस टू की जगह पे हम सिर्फ टू लिख देंगे। तो ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा सवाल क्या पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये रहा सी पॉइंट, फिर वैसे लिखेंगे एक्स और वाई, पहले एक्स एक्सिस में देखेंगे यानी कि इस हॉरिजॉन्टल में सी पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सी पॉइंट लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, देखो गौर से देखो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कहां आ रहा है, फाइव पे आ रहा है, तो एक्स पे क्या हो गया, फाइव हो गया, कॉमा लगा दिया, वाई मतलब वर्टिकल, वर्टिकल में सी पॉइंट कहां जा रहा है, देखो वर्टिकल में सी पॉइंट माइनस फाइव के पास आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा समझाता हूं। देखो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को लिखते हैं और एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को लिखने के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के, याद रखना एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को लिखने के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाती है और वो जहां एक्स एक्सिस को कट कर दे वही उसका इंटरसेप्ट है। जैसे कि सी पॉइंट पे हमने अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इसने x एक्सिस को कट किया 5 पे, तो ये 5 इंटरसेप्ट हो गया। उसी तरह से हम इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो उसी पॉइंट से जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए और इसने कट किया y एक्सिस को -5 पे, तो -5 आ गया y इंटरसेप्ट, ठीक। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है। हैशटैग बना के लिख लो, टू गेट x इंटरसेप्ट ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से आपको एक और चीज लिखनी है, टू गेट y इंटरसेप्ट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, हमको x इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा y इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा और यही हमको चाहिए होता है, ठीक। चलो थर्ड पॉइंट करते हैं, द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट
आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। ये जो -3 -5 वाला पॉइंट है ये कौन सा है? -3 एक्स साइड में और वाई साइड में -5। तो -3 एक्स साइड में चलते हैं, एक्स साइड में -3 की तरफ गए, -1 -2 -3 यहाँ आ गए, और फिर वाई साइड में हमको -5 जाना है, यानी कि नीचे की तरफ -5, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये पॉइंट आया ई। तो इसका आंसर है ई। ई इज द पॉइंट विच रिप्रेजेंट दिस। चौथा, चौथा क्या बोल रहा है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 और -4 पॉइंट कौन से, मतलब 2 और -4 कोऑर्डिनेट्स को कौन सा पॉइंट बता रहा है? तो क्या करना है, एक्स साइड में 2 मूव करना है और वाई साइड में -4। यहां पे खड़े होंगे ओरिजिन पे, एक्स साइड में 2 मूव करेंगे और वाई साइड में -4, मतलब कि नीचे की तरफ 4, ऐसे करके 1 2 3 4। तो ये पॉइंट आ गया जी। क्या है इसका आंसर? जी, पांचवा सवाल। ठीक, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होती है? व्हाट इज एब्सिसा? क्या होता है एब्सिसा? एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? पॉइंट डी क्या है पहले तो ये देख लो, पॉइंट डी क्या है? पॉइंट डी कैसे लिखेंगे? एक्स इंटरसेप्ट इसका और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? वाई एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ कराएंगे और वो एक्स को जहां कट करेंगे वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा 6। और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो वाई एक्सिस को जहां कट करेगी वो इसका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये तो हो गया इसके डी के कोऑर्डिनेट। और एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो दिस इज द एब्सिसा, 6 6 इज द एब्सिसा। ठीक, डी हो गया। अब सॉरी, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है? सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट पता करना है हमको। क्या पता करना है? ऑर्डिनेट, ORDINATE ऑफ एच। ठीक, एच पॉइंट कहाँ है? ये रहा। तो ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है। उसके लिए भी हमको उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो एच एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमको वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करने पड़ेगी। एच है और वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी तो ये एक्स एक्सिस को कहां पे काट रही है? -5 पे काट रही है। तो ये हो गया -5 और एक्स एक्सिस के पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाई को -3 पे काट रही है। तो ये हो गया -3। ये है इसका एब्सिसा और ये है इसका ऑर्डिनेट। यही तो था, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर दिया हमने। 7 क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल, एल किधर है? एल वेयर इज एल? भूल गए? एल 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 भूल गए क्या? एल ये रहा, दिस इज एल, गिवन है क्वेश्चन। अब हमें बताना है एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका भाई, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इसी पॉइंट से ऐसे करके y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई। कहां कट करेगी x एक्सिस को? यहां कट करेगी। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका? 0। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? कहां कट करेगी y एक्सिस को? 5 पे। तो ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स। एक्स इंटरसेप्ट या एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है वो निकालने के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो ये लाइन ड्रॉ होगी ऐसे, कहां पे कट कर रही होगी एक्स एक्सिस को? 0 पे। तो 0 हो गया उसका एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट या वाई इंटरसेप्ट पता करने के लिए उसी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, और वो लाइन वाई एक्सिस को जहां कट करेगी वो होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट। कहां कट कर रही है? 5 पे ही कट करेगी। तो 5 हो गया इसका वाई कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर दिए। अब हमको बताना है M, M पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स बताना है। M पॉइंट कौन सा है? ये है ना। तो M पॉइंट के लिए भी हम x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, कहां कट कर रही है ये लाइन? -3 पे कट कर रही है। तो अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूं तो y एक्सिस वाली लाइन जो -3 पे कट कर रही है, तो x कोऑर्डिनेट -3 आ गया। अब इसी पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और ये लाइन
वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है जो कि इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो कहाँ कट कर रही है? जीरो पे कट कर रही है, तो ये हो गया जीरो, तो ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट। तो मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मैं तो कहता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन खुद ट्राई करना चाहिए, सारी डेफिनेशंस पहले ही बता चुका हूँ, एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और कैसे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। अगर आपको ये सब चीजें पता हो तो सारा क्वेश्चन आप दोबारा ट्राई करिए, अपने आप मजा आएगा।